नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश विदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। 2016 से ही गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा का सफर शुरू हो गया था। IAAF वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड उसने जीता था, जिसके बाद साल 2017 में हुए एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी अपना दमखम दिखाया था। साल 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्डन, इसी साल एशियाई गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीता था। गुजरात में रेलवे स्टेशन पर पहला होटल बनवाने के बाद अब रेलवे देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल आधारित ट्रेन चलाने की तैयारी कर रहा है। इसकी जानकारी रेलवे के ADG राजीव जैन ने दी है। शहर के चर्चित व्यवसायी और घोटाले के मास्टरमाइंड पीके घोष को शनिवार को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया है कि प्रवर्तन निदेशालय ने 5 अगस्त को पीके घोष को पटना पूछताछ के लिए बुलाया था। उन्हें शनिवार शाम को सृजन घोटाला मामले में गिरफ्तार कर बेउर जेल भेज दिया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9 अगस्त को 9वीं किश्त किसान के खाते में जाने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 9.75 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को 19,500 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि हस्तांतरण करेंगे। कौशल विकास से जुड़ी योजनाओं की सारी जानकारी अब आपको एक पोर्टल के माध्यम से मिलने वाली है, जिसका नाम PM दक्ष पोर्टल रखा गया है। इस पोर्टल का उद्देश्य लक्षित समूह के लिए कौशल विकास योजनाओं को सुलभ बनाना है। जदयू के नवनियुक्त ललन सिंह ने हाल ही में जातीय जनगणना को लेकर अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि जाति आधारित जनगणना को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है कि इससे समाज अगड़ा पिछड़ा में बढ़ जाएगा। हकीकत इससे उलट है। साल 1931 में जाति आधारित जनगणना हुई थी। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ओलंपिक में भारत को मिली जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि साल 2014 में शुरू की गई मोदी सरकार की टॉप्स नीति से खिलाड़ियों को मदद मिली है, जिसके चलते भारत इस बार ओलंपिक का हिस्सा बनने में सबसे ज्यादा पदक जीतने में कामयाब साबित हुआ है। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है, जिसके बाद नीरज ने अपने गोल्ड मेडल को भारत के महान धावक दिवंगत मिल्खा सिंह को समर्पित किया है। उन्होंने कहा कि मैं अपने गोल्डन मेडल को महान धावक मिल्खा सिंह को समर्पित करता हूं, वो शायद मुझे स्वर्ग से देख रहे होंगे। पटना में बाढ़ का खतरा लगातार बना हुआ है। कई छोटी नदियों में पानी उफान पर है। बड़ी नदियों में भी पानी खतरे के निशान के पार है या इसके करीब है। गंगा नदी दीघा घाट से लेकर गांधी घाट और आगे फतुहा के कटैया घाट से लेकर हाथीदह तक खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। IPL 2021 के दूसरे फेज की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, जिसके तहत जल्द ही महेंद्र सिंह धोनी अपनी टीम के साथ चेन्नई पहुंचने वाले हैं, जहां से उनकी पूरी टीम 13 अगस्त को UAE के लिए रवाना हो सकती है। भारत के यात्रियों के स्पेशल ट्रेन का संचालन करने को लेकर सहमति बन गई है। इस बाबत आने वाले त्यौहार गणपति उत्सव रक्षाबंधन को देखते हुए 8 स्पेशल ट्रेन 38 फेरे लगाने वाली है, जिसकी बुकिंग 11 अगस्त 2021 से शुरू होगी। भारतीय जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा पर इनामों की बौछार कर दी गई है, जिसके तहत हरियाणा सरकार उन्हें 6 करोड़ नकद इनाम देने की घोषणा कर चुकी है। साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने भी 2 करोड़ नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है। इसके अलावा महिला समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने आगामी कार XUV 700 उपहार में देने का वादा किया है। पटना के 12,500 पंडुलिपियों को संरक्षित कर उसका डिजिटलाइजेशन होगा। मिली जानकारी के अनुसार इन पंडुलिपियों में 1100 साल पुरानी पांडुलिपि भी है। ये पांडुलिपियां मिथिला स्नातकोत्तर अध्ययन एवं शोध संस्थान में है। यह संस्थान राज्य सरकार के शिक्षा विभाग का है, जो दरभंगा में है। संस्थान दुर्लभ एवं प्राचीन पांडुलिपियों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद देश भर के सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले एरियर पर सरकार ने अपना बयान जारी किया है। सरकार ने अपने बयान में कहा है कि जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक की अवधि के लिए कोई बकाया पेमेंट नहीं किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अध्यक्षता में अफगानिस्तान के मुद्दे पर हुई बैठक में पाकिस्तान को नहीं बुलाए जाने पर पाकिस्तान ने नाराजगी जाहिर की है, जिसके तहत पाकिस्तान के स्थायी मुनीर अकरम ने इसे परिषद के नियमों का उल्लंघन बताया है। COVID-19 के खिलाफ टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया है कि प्रतिदिन औसतन 45.41 करोड़ डोज लगाए गए हैं। वहीं जुलाई में कुल मिलाकर 13.45 करोड़ डोज लगाई गई है। भारत की पहली महिला पायलट सरला ठुकराल का 107वां जयंती के अवसर पर आज गूगल ने उनके सम्मान में डूडल बनाकर अनूठे अंदाज में श्रद्धांजलि दी। इस डूडल में उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि को दिखाया गया है। सरला ठुकराल ने साल 1936 में महज 21 साल की उम्र में विमान उड़ाकर इतिहास रच दिया था। लालू प्रसाद यादव के परिवार में एक बार फिर से शीत युद्ध देखने को मिल रही है, जिसके तहत राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से पार्टी की सड़कों पर पोस्टर लगाए गए हैं। हैरानी की बात यह है कि इस पोस्टर में तेज प्रताप के साथ तेजस्वी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। LAC पर जवानों की क्षमता बढ़ाने की तैयारी हो रही है। लद्दाख के न्योमा में अग्रिम ठिकानों पर तैनात भारतीय सेना के सैनिकों को अब चीन के साथ सीमा की रक्षा के लिए अमेरिकी सिंगल फायर 716 असॉल्ट राइफल स्विम MP 9 पिस्टल बंदूक से लैस किया गया है।
देशभर में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 39,070 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 43,910 मरीज कोरोना संक्रमण से उभरने में सफल रहे और 491 मरीज की इस महामारी की वजह से जान चली गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के बाद देश में अब तक कुल मिलाकर कोरोना संक्रमण के 3,19,34,455 मामले सामने आए हैं। आईपीएल की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसी बीच स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले किसी भी विदेशी खिलाड़ी को क्वारंटीन नहीं होना होगा, लेकिन फ्रेंचाइजी सदस्यों और खिलाड़ियों के परिवार ने यदि बायो बबल तोड़ा तो उन्हें सजा मिलेगी। कश्मीर के पुलवामा जिले में रहने वाले युवा कलाकार मुंतजिर राशिद का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया है। मुंतजिर जापान की ओरिजिन आर्ट ओरिगेमी और माहिर कलाकार है और उन्होंने कागज का सबसे छोटा फूल बनाकर रिकॉर्ड बुक्स में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के लोगों को भारी बारिश से अब राहत मिल सकती है। उत्तरी मध्य प्रदेश और आसपास के इलाकों पर बना कम दबाव का क्षेत्र अब धीरे धीरे कमजोर हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में अगले 3 दिन तक रुक रुक कर बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने बताया है कि 10 अगस्त से उत्तराखंड, उत्तरी उत्तर प्रदेश और देश के पूर्वी हिस्से में बारिश की गतिविधियां में बढ़ोतरी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस खाति को कभी भूला नहीं जा सकता आज वो ब्रांड बन गया है। प्रधानमंत्री ने देश में हस्तशिल्प को बढ़ावा दिए जाने के लिए सरकारी प्रयास की सफलता का भी जिक्र किया। अब जब हम आजादी के 100 वर्ष की तरफ नए सफर पर निकल रहे हैं तो आजादी के लिए खादी की उस सिस्टम को हमें मजबूत करना होगा। स्वतंत्रता दिवस के जश्न की तैयारी के बीच भारत अपने बहुप्रतीक्षित जियो इमेजिंग उपग्रह जीसैट 1 को 12 अगस्त को लॉन्च करने जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में 12 अगस्त को GSLV-F10 के जरिए धरती पर निगरानी रखने वाले इस उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा। भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख के गोगरा इलाके में अपनी सेनाएं जरूर पीछे कर ली है, लेकिन देपसांग में रार बरकरार है। इसके लिए भाजपा के सुब्रमण्यम स्वामी ने सख्त लहजे में टिप्पणी करते हुए पूछा कि आखिर हम कब तक कतराते रहेंगे। नीरज के पूर्व ट्रेनर और दुनिया के सर्वकालिक महान भाला फेंकने वालों में से एक जर्मनी के उवे हॉर्न। जी हाँ, बहुत कम लोग जानते हैं कि जैवलिन थ्रो में जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है, उन्होंने नीरज चोपड़ा को 3 साल तक ट्रेनिंग दी है। अपनी कला के उत्साह 58 वर्षीय होने वाले 100 मीटर की बाधा को पार करने वाले दुनिया के एकमात्र भाला फेंक एथलीट है। दीपिका को संजय लीला भंसाली की अगली फिल्म से बाहर कर दिया गया है। जी हाँ, खबर है कि फीस की वजह से दीपिका अब इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है। सूत्रों के मुताबिक दीपिका ये चाहती है कि उनके और उनके पति की फीस बराबर हो, लेकिन संजय लीला भंसाली इस शर्त को मानने से इनकार कर चुके हैं और मजबूरन एक्ट्रेस को फिल्म से बाहर कर दिया गया है। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की असफलता के बाद लय में लौट आए हैं। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में कुल 9 विकेट लिए। वो WTC फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक भी विकेट नहीं ले पाए, तब बहुत से लोगों ने उनकी प्रतिभा पर सवाल उठाया था। स्वतंत्रता दिवस से ठीक 3 दिन पहले भारत आखिरकार अपने उन्नत उपग्रह लॉन्च करने वाला है। देश की सुरक्षा के लिहाज से यह सैटेलाइट काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके जरिए देश की सीमाओं की वास्तविक तस्वीर लेने में मदद मिलेगी। देश की सुरक्षा के लिहाज से भी यह सैटेलाइट काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके जरिए देश की सीमाओं की वास्तविक तस्वीरें लेने में मदद मिलेगी। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच में किस खिलाड़ी का प्रदर्शन आपको भारतीय टीम में अब तक सबसे अच्छा लगा है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।